हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीके ज़रूरी है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अपनी पॉलिटी PYQs सीरीज़ का पार्ट 3। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो हमारा जो आर्टिकल 371 है वो किस स्टेट को स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड करता है। आपके ऑप्शंस हैं नागालैंड, आसाम, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो आर्टिकल जो 371 है उसका 371 से लेके 371A to 371J तक में स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं अलग अलग स्टेट्स को। तो आर्टिकल 371 जो है उसमें महाराष्ट्र और गुजरात को स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं। उसी तरह 371A में हमारे नागालैंड को दिए गए हैं और बी में आसाम को, और इसी तरह सो ऑन करके जे तक ये प्रोविजंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अशोका मेहता कमेटी 1977 वॉज रिकमेंडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ। तो अशोका मेहता कमेटी जो 1977 में बनी थी उन्होंने किस एस्टेब्लिशमेंट का रिकमेंडेशन दिया था। तो आपके ऑप्शंस हैं पंचायत समिति, नगर पंचायत, मंडल पंचायत या ग्राम पंचायत। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राइट आंसर सी, मंडल पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ हेल्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया किसको कहा जाता है। ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मायो या महात्मा गांधी। एंड द राइट आंसर इज लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन वेस्टेड विद स्पेशल पावर्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। तो गवर्नर किस स्टेट के गवर्नर को स्पेशल पावर दी गई है अपनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। तो आपके ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल या आसाम। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइम लिमिट विदिन विच अ नॉन मनी बिल हैज़ टू बी सेंट टू द स्टेट लेजिस्लेचर बाई द गवर्नर फॉर रिकन्सिडरेशन। तो टाइम लिमिट क्या है किसी भी नॉन मनी बिल को स्टेट लेजिस्लेचर में भेजने की गवर्नर द्वारा उसके रिकन्सिडरेशन के लिए। ऑप्शंस हैं 3 मंथ, 1 मंथ, 14 डेज या फिर कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाइड नहीं की गई है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है। गवर्नर जितना देर तक चाहे अपने पास रख सकता है वो नॉन मनी बिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। तो इनमें से किसको गवर्नर अपॉइंट नहीं करता है। आपके ऑप्शंस हैं स्टेट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, स्टेट एडवोकेट जनरल, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टेट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरकी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड अंदर। तो जो डायरकी था वो किस सबसे पहले किस उसके अंदर आया था, किस एक्ट के अंदर आया था, किस प्लान के अंदर आया था वो आपको बताना है। ऑप्शंस हैं गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1935, साइमन कमीशन प्लान, मोंटेग लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। तो आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका मोंटेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था वो आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड कैनन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, वेरेन हेस्टिंग, नन ऑफ देम। एंड द राइट आंसर इज वेरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू एन ऑर्डिनेंस इज एन। जो इंडिया का प्रेसिडेंट है उसकी जो पावर है कि वो एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है वो कौन सी पावर है, उस पावर को हम क्या कहते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शंस हैं क्वासी जुडिशियल पावर, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, लेजिस्लेटिव पावर या फिर एग्जीक्यूटिव पावर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लेजिस्लेटिव पावर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट कैन बी रिजॉल्व बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इंटर स्टेट का जो भी कोई भी वाटर डिस्प्यूट है तो वो किसके थ्रू रिजॉल्व किया जाता है वो आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं स्पेशल कोर्ट्स एस्टेब्लिश बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ट्रिब्यूनल्स एस्टेब्लिश बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ, यूनियन गवर्नमेंट ओनली या फिर सुप्रीम कोर्ट ओनली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश बाय द पार्लियामेंट ऑफ लॉ। तो ट्रिब्यूनल के थ्रू हम इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं।
तो इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @GKZaruriHai पे मिल जाएगी, जिसमें आपको ये क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी मिलेंगे। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल @GKZaruriHai पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं इस सीरीज़ की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडिंग। बाय बाय।